ये शर्मा जी लिखती हैं, सर घिसे हुए दांत को बढ़ा सकते हैं क्या? प्रिया जी, मैंने इसके विषय में वीडियो बनाई थी। वैसे सच्चाई देखें, मेडिकल साइंस के अनुसार देखें, जो चीज एक बार घिस दी गई, खास तौर पे टीथ, कुदरती परत एक बार घिस कर निकाल दी गई, वो परत अब दोबारा नहीं आती, उस पर कैप लगाए रहना ही पड़ता है। ये सच्चे है। अगर आपके दांत से कैप निकल जाती है, भाई जो घिसते हैं तो कैप लगाते हैं, तो आप उसमें ये देखिए कि वो एरिया कठोर हुआ कि नहीं, जैसे कि उस पर एक हल्की हल्की परत बननी शुरू हो जाती है, वो परत व्हाइट कलर की होती है, एनामल होते हैं, वो एनामल बनने शुरू हो जाते हैं। जब आपके शरीर का कोई भी अंग घायल हो जाता है, तो शरीर के दिमाग के अंदर एक मैसेज जाता है कि उस जगह पर कोई अंग विकसित हुआ है, उसमें कोई घाव हुआ है, तो उस घाव को भरने के लिए शरीर से स्राव निकलने शुरू हो जाते हैं। और आप देखोगे कुछ समय बाद अगर उस घाव पर, उस चोट पर कोई बैक्टीरिया संक्रमण ना करे, वो घाव अपने आप ठीक होने लगता है। ये शरीर की ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, शरीर का जो खुद का अपने मरम्मत करने की प्रक्रिया है, या खुद की दूसरों से रक्षा करने की जो प्रणाली है, वही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। अगर आपके आंतरिक तौर से मजबूत होंगे, शरीर उतनी ही तेजी से शरीर के टूटे हुए अंगों की रिपेयरिंग करेगा, मरम्मत करेगा। अब आपके दांत घिस गए हैं और उन पे जो घिसे हुए दांत हैं उन पर एनामल की हल्की सी लेयर आनी शुरू हो गई है, भाई 3-4 साल के बाद एनामल की परत कुछ कठोर होने लगती है, उनके ऊपर कैप के जरिए प्रेशर तो पड़ता है, जिसके कारण दिमाग में मैसेज तो जरूर जाता है कि ये एरिया पर प्रेशर पड़ रहा है, इस एरिया को स्ट्रोंग बनाने के लिए कार्य किया जाए। तो आपको अगर आपके दांत में लगता है कि एनामल बन रहा है, देखिए एक जल्दी से नहीं होगा, इसमें 5-6 साल लग सकते हैं, एक बार घिसे दांत में 5-6 साल के बाद एनामल बन सकता है, पर उस समय तक दांत को रोक के रखना भी एक मुसीबत है, क्योंकि बैक्टीरिया जितनी तेजी से काम करते हैं उतनी तेजी से दांत की मरम्मत नहीं हो पाती, तो बैक्टीरिया जीत जाते हैं, आपके मुंह में या उस दांत में गड्ढे हो जाते हैं। अगर आप अपने मुंह को हाइजीन रखने में कामयाब हो जाते हैं और वो कैप के बाद एनामल दिखने लगते हैं, हल्की सी लेयर भी हो, तो आपके घिसे हुए दांत बढ़ सकते हैं, बच सकते हैं, और लगभग 5-6 साल बाद आपके नेचुरल दांत जैसे भी हो सकते हैं। पर ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, बहुत सावधानी से करनी पड़ती है, आपकी जरा सी लापरवाही घातक हो सकती है। तो प्रिया जी, अगर आप ऐसा आजमाना चाहे तो आजमा सकती हैं, पर इसमें रिस्क ज्यादा है। भाई हमने तो बता दिया कि एक नेचुरल प्रक्रिया है, शरीर के अंग बढ़ते रहते हैं, दांत भी आपके बढ़ते रहते हैं, आप अपने रिस्क पर इसे आजमा सकते हैं, दांत तो आपके बढ़ सकते हैं, इस दौरान अगर आप जरा भी चूकते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है।